नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। आपके प्रिय शो व्यक्तिगत का एक साल पूरा हो गया है। इस अवसर पर हमारे साथ हैं लेखिका डॉक्टर तस्लीमा नसरीन। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैडम ये बताइए कि आप कैसी हैं, आपकी सेहत कैसी है? नमस्कार, आपका धन्यवाद। 1.5 साल पहले एक दुर्घटना हुई थी यहाँ एक अस्पताल में, उससे तेज़ी से उभर रही हूँ। शारीरिक और मानसिक तौर पर काफ़ी परेशान थी, पर इंसान कितना परेशान रह सकता है। शरीर के साथ अभी भी सेहत संबंधी समस्याएं हैं। लोगों के जीवन में दुर्घटनाएं होती रही हैं, पर जीवन तो रुक नहीं सकता, इसलिए मैं फिर से लेखनी कर रही हूँ। आपके बचपन की बात पहले करते हैं। आपने बांग्लादेश में जन्म लिया, वहीं पली बढ़ी, वहाँ उस वक्त कैसे हालात थे? मेरा जन्म 60 दशक के शुरू में हुआ। मेरे पिता डॉक्टर थे, मेरी माँ घर में रहती थीं, वो पढ़ी लिखी थीं। उन्होंने नौकरी करने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं कर पाईं। हम 4 भाई बहन हैं। मैं मईमन सिंह नानी के घर जन्मी। मैंने बचपन में ही जन आंदोलन देखा, 1969 में, काफ़ी छोटी थी। मैंने फिर 1974 में युद्ध देखा। एक युद्ध देखना एक इंसान के लिए काफ़ी दुखद है। आप जिस परिवेश में बड़ी हुई, क्या आपको जीवन पर इसका असर पड़ा? मैं जिस माहौल में पली बढ़ी, वहाँ जीवन ऐसा कठिन नहीं था। धर्म का इतना बोलबाला नहीं था। ऐसा माहौल नहीं था कि मुझे कुरान पढ़ाया जाए, स्कूल ना भेजा जाए, हिजाब पहनाया जाए। मेरे आसपास एकदम सेक्युलर माहौल था। मेरे पिता कभी नमाज नहीं पढ़ने जाते थे, वो कभी धर्म प्रैक्टिस नहीं करते थे, कभी नमाज पढ़ने, कुराने पढ़ने या रोज़ा के लिए नहीं कहते। मैं किसी धार्मिक माहौल में नहीं पली बढ़ी। पिता हमेशा किताब, स्कूल बुक पढ़ने पर जोर देते थे। माँ नमाज प्रैक्टिस करती थीं, लेकिन वो भी बहुत बाद में। ऐसा माहौल मेरे लिए एक तरह से अच्छा हुआ, क्योंकि मेरे जो आज़ाद ख्याल बने, विज्ञान को जाना, इसके पीछे पिता का काफ़ी योगदान रहा। मेरे घर में साहित्यिक सांस्कृतिक परिवेश था। मेरे भाई वाद्य यंत्र बजाते, बहन रविंद्र संगीत गाती थी। मेरे नाना नानी के घर में ऐसा ही माहौल था। आपने तो डॉक्टरी की पढ़ाई की, फिर लेखनी की तरफ कैसे चली आईं? मुझे जहाँ तक पता है कि पहले तो शुरू में आप कविता लिखती थीं। हाँ, मैं पहले कविता ही लिखती थी। मैं बचपन से ही लिखती, 70 दशक से ही लिखती थी। कविता पत्रिका सेजुती का मैंने संपादन शुरू किया था। मेरा बड़ा भाई भी कविता लिखता था। मेरे जीवन में लेखनी अचानक नहीं हुई, घर में एक साहित्यिक माहौल था। मेरी पहली किताब जब 1986 में निकली, तो उस वक्त मैं मेडिकल कॉलेज पास कर चुकी थी। पहली किताब शिखरे विपुल खुदा निकली थी। उस वक्त 85 में मैं सरकारी नौकरी कर रही थी। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के दौरान भी मैंने संपादन किया, लेकिन बाद में पढ़ाई के कारण समय नहीं मिला। पास होने के बाद, डॉक्टरी करने के बाद, मुझे देश में विभिन्न पत्रिका के संपादन और मुझे कॉलम लिखने के लिए कहा गया। निर्वासितो बाहिरे अंतरे मेरी दूसरी कविता की किताब का नाम था, और आमार किछु जाय आसे ना मेरी तीसरी कविता की किताब थी। मुझे कॉलम लिखने के लिए कहा गया तो मैंने सोचा कि राजनीति तो मुझे नहीं आती है, इसलिए मैंने महिलाओं के बारे में लिखना शुरू किया। लड़कियों के जीवन की बात, मेरे जीवन में क्या हुआ, पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं कैसे बची हुई हैं। मैंने देखा कि मेरा लिखा लोग पसंद कर रहे हैं, जिसमें छप रहा है उस पत्रिका का सर्कुलेशन बढ़ जा रहा है। महिलाओं ने कहा कि आप लिखना बंद मत कीजिएगा, हमें उससे साहस मिलता है। उसी वक्त मेरी किताब को पश्चिम बंगाल से आनंद पुरस्कार मिला। आप पहली बार कोलकाता आई थी 1989 में, कैसा अनुभव था कोलकाता पहली बार आना? मैं कोलकाता को लेकर इतना पढ़ी थी, उपन्यास पढ़ी थी, ऐसा लग रहा था कि यहाँ की सड़कें मैं जानती हूँ। लेखकों ने जैसे कोलकाता का वर्णन किया था, मैंने सारा सब कुछ पाया था। रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन जाने के बाद मुझे वहाँ इतना अच्छा लगा था कि मेरी आँखों से आंसू निकले थे। मैं इतना खुश कि मैं बता नहीं सकती। आपने किसे आइडल माना था कि मुझे किसी की तरह होना है? मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन कभी नहीं सोचा कि मैं किसी की तरह होऊंगी। मैं खुद अपनी तरह बनना चाहती थी और अपनी तरह बनी। मैंने किसी की तरह बनने की कोशिश नहीं की। सब कुछ अच्छा चल रहा था तो अचानक बांग्लादेश में आपका विरोध क्यों शुरू हुआ गया? महिलाएं तो आपकी लेखनी खूब पढ़ रही थीं। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, सभी प्रगतिशील इंसान मेरी लेखनी को पसंद कर रहे थे। मैंने अपने लेखने में इस्लाम के नियमों की आलोचना की थी। कुरान हदीस को पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारी बातें बुरी लगी जो महिलाओं के लिए बुरी थीं। देश में उस वक्त धर्म को बढ़ावा देना शुरू हो गया था। इस्लामी ताकतों वाली सरकार आ रही थी। मुझे लगा कि देश पीछे जा रहा है, मेरे देश में धर्मनिरपेक्ष की ज़रूरत है।
सभी धर्म में महिलाओं और महिलाओं के हक की बात नहीं है। मैंने समझा कि हमारे देश समाज में एक परिवर्तन की ज़रूरत है, महिलाओं को स्वावलंबी होने की ज़रूरत है। धर्म और राष्ट्र अलग नहीं होती हैं तो दिक्कत है। मुझे लगता है कि सभी धर्म ही नारी के खिलाफ होते हैं। संविधान बोलता है कि पुरुष और महिला एक होते हैं, लेकिन धर्म में ऐसी बात नहीं होती है। सरकार ने ऐसा नहीं चाहा। राजनीति नेता का मतलब ही हुआ कि धर्म का इस्तेमाल करना। मैंने इस्लाम की आलोचना की, इसलिए मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मेरे खिलाफ सड़क पर उतरना शुरू कर दिया था। 90 दशक की शुरुआत में विरोध शुरू हुआ था। पहले 50,000, फिर लाख, फिर कई लाख विरोध में आ गए। एक मौलाना ने 33 में मेरे खिलाफ फतवा जारी किया था। बांग्लादेश में फतवा तो निषेध है, लेकिन सरकार ने उस फतवाबाज के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। मेरे सिर की कीमत 50,000 रखी थी, वो ऐसा नहीं कर सकते थे। सरकार ने उसके खिलाफ ना एक्शन लेकर मेरे खिलाफ एक्शन ले लिया, मेरे खिलाफ मामला किया। मौलाना जनप्रिय होने लगा। कट्टरपंथी धर्म के धंधेबाजों ने समाज में सम्मान पा लिया। 24 में मेरे खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। उस वक्त जुलूस बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उस वक्त लज्जा प्रकाशित हो गई थी। हाँ, लज्जा प्रकाशित हो गई थी, जिसे खालिजा जिया ने 6 महीने में बैन कर दिया था। पर उसमें इस्लाम की बात नहीं थी। मैंने महिलाओं की बात लिखते वक्त इस्लाम की बात लिखी थी। सिर्फ मैंने इस्लाम की बात नहीं, बल्कि सभी धर्म में नारी की अवस्था की बात की। नारी को संतान उत्पादन मशीन के तौर पर देखा जाता है। ये जो कट्टरपंथी हैं, वो पूर्ण रूप से नारी के खिलाफ है। अगर नारी धर्म की आलोचना करती है तो वो काफ़ी नाराज़ होते हैं। मुझे फांसी की मांग हुई। सरकार ने मेरे खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद मुझे हाइडिंग में जाना पड़ा था। मेरे खिलाफ धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था। 24 जून जुलाई में मेरे खिलाफ वारंट हुआ था। बांग्लादेश छोड़ने के बाद मैं पहली बार स्वीडन गई थी। वहाँ जो मानवाधिकार संस्थाएँ हैं, वहाँ विदेश में आंदोलन किया। यूरोप के देशों से मेरे लिए आमंत्रण आया। निर्वासन का जीवन काफ़ी कठिन है, पैर के नीचे कोई ज़मीन नहीं। देखिए, 2004 से भारत में हूँ। मेरा रेसिडेंस परमिट रिन्यू नहीं हुआ। भारत में रहना उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन करीब 1.5 महीने हो गए हैं, उनका रेसिडेंस परमिट अभी तक रिन्यू नहीं किया गया है। हाँ, मैं पूछने वाला था ये सवाल, अभी रेसिडेंस परमिट का क्या स्टेटस है? अभी कुछ पता नहीं है, अभी रिन्यू नहीं हुआ है। ऑनलाइन आपने देखा है क्या स्टेटस है? ऐसा कभी नहीं हुआ है, कभी भी एक्सपायर होगा, उससे पहले भी मुझे मिल जाता था। इस सरकार में मैं किसी को नहीं पहचानती। मुझे नहीं पता कि किससे बातचीत करनी है, गृह मंत्रालय में कौन इसे लेकर मुझसे संपर्क करेगा। मेरी किसी से बातचीत नहीं होती। मैं ऑनलाइन अपना स्टेटस चेक करती रहती हूँ, लेकिन अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं मिला है। अभी भी वेबसाइट पर स्टेटस अपडेटिंग ही शो रहा है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, रद्द होने से पहले ही हर बार परमिट मिल जाता था। बांग्लादेश के मौजूदा हालात इसके लिए जिम्मेदार? क्या बांग्लादेश के मौजूदा हालात परमिट एक्सटेंशन में रुकावट बन रहे हैं? मेरा बांग्लादेश और वहाँ की राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मैं तो पहले से भारत में रह रही हूँ। मैं यहाँ स्वीडिश नागरिक के तौर पर रहती हूँ, और बांग्लादेश के मौजूदा विवाद से पहले ही तो मेरा परमिट रद्द हो गया था। 2017 में भी दिक्कत हुई थी, पर उस वक्त तकनीकी समस्या थी। मैं उस देश की सरकार या मंत्री भी नहीं थी। भारत सरकार से कोई संपर्क नहीं? मैंने एक दोस्त को कहा था कि पता लगाए। लोग सोचते हैं कि सरकार नेताओं के साथ मेरी जान पहचान है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे अगर परमिट नहीं मिला तो मैं पूरी तरह से मर ही जाऊंगी। अब मेरी कहीं जाने की अवस्था नहीं है। आप 94 तक बांग्लादेश में थीं। उस वक्त जो बांग्लादेश की अवस्था थी और जो आज है, आप इसे कैसे देखती हैं? आप ज़रूर इसे फॉलो कर रही हैं। आपको सोशल मीडिया पेज पर आप मौजूदा हालात को लेकर पोस्ट करती रहती हैं। बहुत ही ख़राब अवस्था है, बहुत ही ख़राब। शेख हसीना ने कट्टरपंथियों को प्रमोट किया। वो ज़िंदगी भर सत्ता में रहना चाहती थीं। उन्होंने BNP को ख़त्म कर दिया था और ऐसे ही चुनाव करवाया था। उनके अंदर काफ़ी घमंड आ गया था। वो कहती थीं कि ये मेरे पिता का देश है। पर बाकी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसे भी सम्मान देना होगा। वो चाटुकारों के बीच रह रही थीं। वो वोटर्स और जनमानस से कट गई थीं। उन्होंने धर्म को खूब बढ़ावा दिया, कट्टरपंथियों को काफ़ी महत्व दिया। मदरसा की डिग्री सामान्य कॉलेज की डिग्री के बराबर कर दी गई थी। आज जो मदरसा के छात्र उनके खिलाफ हुए, तो वो तो उन्होंने किया था। मस्जिद की ज़रूरत नहीं है, फिर भी 500 से ज़्यादा मस्जिद बनवाई। कट्टरपंथियों को खुश करने का काम किया था। उन्हें लगता था
कि ये कट्टरपंथी उन्हें बचाएंगे। उन्होंने अवामी लीग के अंदर एक कट्टरपंथियों का ग्रुप बना रखा था, अवामी उलामा लीग बना लिया था, जो इस्लामी तकरीर देते हैं। उन्होंने उन्हें आज़ाद कर दिया था। ये तकरीर देने वाले एंटी महिला, एंटी हिंदू, एंटी समाज होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बदले तकरीर होने लगी गांव-गांव, शहर-शहर। मदरसा में जो पढ़ाया जाता था उस पर कभी कंट्रोल नहीं किया। महिलाओं की शिक्षा, बुरका आदि के लिए युवा समाज को ब्रेन वॉश किया, उन्हें इस्लामी जिहादी बनाया। हसीना का जो पतन हुआ उसके पीछे हसीना का ही हाथ है। मैंने नहीं सोचा था, जो कोटा हुआ था, कोटा का फिर हसीना ने संशोधन भी कर दिया था। फिर छात्रों का ये आंदोलन एक दफ़ा एक दाबी कर दिया। मुझे लगा था कि हसीना पीएम का पोस्ट छोड़ देंगी, लेकिन प्रगतिशील इंसानों को नहीं लगा था कि ऐसा होगा। छात्र उनके आवाज़ की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था। अगर उस वक्त हसीना रहती तो उन्हें मार दिया जाता। छात्रों के आंदोलन को हमने सपोर्ट किया था, उनकी मांगें सही थीं, लेकिन हम उस वक्त समझ नहीं पाए कि छात्रों के पीछे बड़े इस्लामिक ग्रुप थे। हसीना के जाने के बाद जब देश में अराजकता हुई तो समझ में आया कि इसके पीछे जमात और इस्लामी संस्थाएं हैं। अगर हसीना के खिलाफ गुस्सा था तो उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ी गईं। बाकी स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों को क्यों तोड़ी गईं? ऑडिटोरियम क्यों जलाए गए? तब हमें समझ आए कि जो जिहादी हैं, जिन्होंने ब्लॉगरों की हत्याएं कि उन्हें जेल से छोड़े जाने के बाद, हमें समझ आया कि छात्रों के पीछे इस्लामी ग्रुप था। हसीना ने जमाती इस्लामी को बैन किया था, उस पर से अब यूनुस की सरकार ने बैन हटा लिया। इसका मतलब ही कि ये इस्लामिक आंदोलन था। इससे साफ है कि वो अब क्या करना चाहते हैं। पूरा देश इस्लामी स्टेट की तरफ जा रहा है। अलकायदा पंथी ग्रुप भी इसके पीछे है, यहाँ वहाँ फैलाना चाहते हैं। सूफियों के मज़ार तोड़े जा रहा है। हम सोचते हैं कि ये जो यूनुस हैं वो एक प्रगतिशील इंसान है, पर ये जो तोड़ फोड़ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि यूनुस भी जमाती इस्लामी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनके नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। हम आशावादी थे कि ये लोग लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने चुनाव का ऐलान नहीं किया। आपको शांति के लिए नोबल पुरस्कार मिला, आप अशांति के खिलाफ चुपचाप बैठे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बंद करें? वो कह रहे हैं कि वो विजय उत्सव कर रहे हैं, पर क्या लोगों की हत्या करके विजय उत्सव, अत्याचार करके विजय उत्सव? इसके खिलाफ, इस सरकार से इसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। इसका मतलब जो इस्लामी कर रहे हैं सब ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर मुस्लिम नहीं थे, इसीलिए उनका लिखा राष्ट्रगान वो चेंज करना चाह रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि छात्रों के पीछे इस्लामी हाथ था। आमार सोनार बंगाल को राजाकार के सपोर्टर चेंज करने की बात कर रहे हैं। इसके विरोध में प्रगतिशील इंसान बांग्लादेश, अमेरिका और यूरोप में राष्ट्रीय संगीत गा रहे हैं, एक सुर में राष्ट्रीय गीत गा रहे हैं। ये एक अच्छी और पॉजिटिव बात हुई है। अभी जो हालात हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं और हिंदुओं की हालात कितनी ख़राब हो सकती है? इस बार हिंदुओं ने विशाल रैली की। हिंदू कह रहे हैं कि सब कुछ सहने के बाद भी हम रहेंगे, ये किसी बाप के देश नहीं है। अभी ही वहाँ सिर्फ 8% है, अगर पलायन होता तो उन्हें भागना ही पड़ेगा। इस्लामी कट्टरपंथी अगर पूरा कब्जा में ले लेंगे तो फिर हिंदुओं को तो भागना ही पड़ेगा। आपको कब लगा कि आप अपने विचारों को लिखेंगी और किसी धर्म का पालन नहीं करेंगी? एक सेक्युलर परिवेश आपके घर पर था, आपने कब सेक्युलर बनने की सोची? बचपन से ही, क्योंकि मेरे पिता भी धर्म का पालन नहीं करते थे। वो सिर्फ ईद मनाते थे, वो नमाज भी पढ़ना नहीं जानते थे। माँ कहती थी कि कुरान पढ़ो, नामज पढ़ो। मैं माँ को कहती थी कि क्यों मुझे फ़ारसी में पढ़ना पड़ेगा। फिर एक दिन 14-15 साल की उम्र में मैंने बांग्ला में कुरान हदीस पढ़ी। फिर मुझे लगा कि ये सब महिलाओं के बारे में क्या लिखा हुआ है। हमारे परिवार में कोई भी बचपन से धर्म की चर्चा नहीं करते थे। 80 दशक तक धर्म की उतनी चर्चा नहीं होती थी। मस्जिद में सिर्फ बड़े बूढ़े लोग जाते थे। अभी तो बच्चे, यंग लोग भी जा रहे हैं, रोड ब्लॉक कर नामज पढ़ रहे हैं। अतिरिक्त धर्मांध से कट्टरपंथ और फिर आतंकवाद शुरू होता है। एक दिन में कोई आतंकवाद नहीं होता है, लंबे समय तक इस्लामी ब्रेन वॉश होता है। आपको क्या लगता है कब एक सेफ और सेक्युलर माहौल बन पाएगा? इसके लिए आप किन रिफॉर्म को देखते हैं? मैं 40 साल से बोल रही हूँ मदरसा की ज़रूरत नहीं है, विज्ञान शिक्षा का स्कूल बनाओ। धर्म पढ़ना है घर पर पढ़ो, मस्जिद इतनी क्यों बना रहे हो? इसके बदले विज्ञान की प्रयोगशालाएं बनाओ,
इंसान के अंदर कल्चर रीच करो, कुछ भी होते ही मस्जिद बना रहे हैं, सारा जीवन पाप कर रहे हैं, हज जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि पाप से मुक्ति मिल जाएगी और फिर मोहल्ले में आकर एक मस्जिद बना दे रहे हैं। इसमें बदलाव की ज़रूरत है। प्रत्येक सरकारों ने इसे बढ़ावा दिया, धर्म को बढ़ावा दिया, कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया। ऐसा करके आप कुछ दिन गद्दी पर बैठे रह सकते हैं, लेकिन इससे देश का फ़ायदा नहीं हुआ। देश में तो वैज्ञानिक, शिल्पी, बुद्धिजीवी की ज़रूरत है। वही देख पा रही हूँ कि देश धर्म की राह में अंधा होता जा रहा है। पाकिस्तान का झंडा फहराया जा रहा है। पाकिस्तान तो एक तरह फेल्ड स्टेट है, उसकी बराबरी क्यों करना? राजाकार लोग अभी भी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं और भारत का विरोध किए जा रहे हैं। कोलकाता में आर जीकर अस्पताल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर को रेप कर मार डाला गया। एक महीने से लगातार आंदोलन हो रहा है, आप फॉलोअप कर रही हैं? हाँ, मैं फॉलोअप कर रही हूँ। मेरा समर्थन है आंदोलन को, आंदोलन करते रहना होगा। ये आंदोलन ढाका के आंदोलन की तरह है, ये आंदोलन चलाना होगा जब तक न्याय ना मिले। देखिए, पहले निर्भया की घटना हुई थी, उस वक्त जनता ने आंदोलन किया था, लेकिन फिर क्या हुआ, उसके बाद भी बलात्कार की घटनाएं हुईं, ये रुक नहीं रहा है। कानून बना कि फांसी होगी, रेप होने के बाद भी ये घटनाएं हो रही हैं। मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि मानसिकता चेंज करनी होगी, पर ये तो एक दिन में नहीं बदलेगा। समाज में नारी को यौन वस्तु की तरह देखा जाता है, इसलिए नारी पर आक्रमण होता है। रेप महिलाओं पर एक आक्रमण की तरह है। समाज में जब तक पुरुष तांत्रिक समाधान रहेगा, तब तक नारी को दिक्कत होगी, क्योंकि मानसिकता एक दिन में नहीं बदलती। पुरुष तांत्रिक समाज के खिलाफ नारी समाज नहीं, बल्कि समान अधिकार का समाज, पुरुष और नारी के साथ एक समानता का समाज बनाओ, फिर मानसिकता चेंज हो जाएगी। आप पहले इवेंट्स में जाती थीं, यहाँ रहते हुए आप केरल भी गई थीं? मैं कई लिट फेस्ट में जाती रही हूँ, सभी जगह नहीं जा पाती। मेरी एक बिल्ली है 22 साल की, उसकी उम्र 21 साल है, उसकी सेवा करनी होती है। केरल में कई बार गई, चेन्नई, जयपुर भी कई बार गई। आप अभी क्या लिख रही हैं, नया क्या लिख रही हैं? नया मैं छोटी किताबें लिख रही हूँ, 50 कहानियों की एक किताब इस बार बुक फेयर में प्रकाशित होगी। आपकी नॉर्मल रूटीन क्या होती है? नॉर्मल रूटीन यही है कि जब मन करता है लिखती हूँ, लिखना ही मूल है, पढ़ना होता है, कोई रूटीन नहीं है। जब जो मन करती हूँ, कल ही मैंने चित्रांगदा ऑडिटोरियम जाकर देखा, इसके बारे में सोशल मीडिया पर लिखा भी। कई सालों के बाद शांति निकेतन ग्रुप का चित्रांगदा देखा, बचपन से ही उसके गाने मुझे याद हैं। दिल्ली में लज्जा का बांग्ला में नाटक होने वाला है 21 सितंबर को शाम में। थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात की।